हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बताएंगे आपको फ्रेंच बीन्स का पुलाव बनाने का तरीका, जो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, बनाने बिल्कुल आसान है, सादे मसालों के साथ बनता है और एक झटपट बनने वाला पुलाव है। एकदम नए तरीके से बताऊंगा आप घर पे आसानी से कैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ पेस्ट बनाना है तो कुछ चीजें आप ऐड कर लीजिए और नोट कर लीजिए अच्छे से। इसमें हरी मिर्ची ऐड करता हूँ मैं 6 से 7, नमक मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार रखें। इसके अंदर हम थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा अदरक, इसको ऐड कर लेते हैं। इसके अंदर हम जीरा, काली मिर्च, लौंग, इलायची दो दो तीन तीन चार चार लिए हैं मैंने, और सौंफ 1 चम्मच ऐड करेंगे। दही ऐड करेंगे इसमें 100 ग्राम। बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊंगा आप, जिससे घर पे आप फटाफट तैयार कर सकते हैं इसको। थोड़ा सा हरा धनिया और इसका हम पेस्ट बना लेते हैं। कितने इसका पेस्ट बने हम बर्तन चेंज कर लेते हैं। और 2 चम्मच तेल ऐड करेंगे, मैं सरसों का तेल यूज कर रहा हूँ, आप चाहे तो घी या मक्खन भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हम 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे, 1 मीडियम साइज की प्याज कटी हुई ऐड करेंगे, आप चाहे तो चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं इसको। और प्याज को मिलाएंगे अच्छे से और इसका कच्चापन खत्म करना है प्याज का। इसके अंदर हम बीन्स ऐड करेंगे, ये लगभग 300 ग्राम 200 ग्राम बीन्स है, और 1 टमाटर ऐड करेंगे मीडियम साइज का। नमक ऐड करेंगे 1 चम्मच और इसको मिलाएंगे अच्छे से, मिलाएंगे और लगभग इसको मिला के 1 मिनट भुना है मैंने इस तरीके से। इसके अंदर जो हमने पेस्ट बनाया है उसको ऐड कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल पुलाव है, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है ये, अगर आप इस तरीके से बनाते हैं। इसको मिला लेते हैं एक बार अच्छे से। अच्छे से मैंने मिलाया है इसको, लगभग 1 मिनट तक और भुना है इसको, तो टोटल 2 मिनट में से भून चुका हूँ। अब इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे, ये बासमती कच्चा चावल है लगभग 300 ग्राम, आप कोई सा भी चावल यूज कर सकते हैं। इसको मिलाइए और चावल के साथ भी लगभग 1 मिनट तक आप इसे लगभग भूनते रहे। ये 1 मिनट चावल के साथ भुना है। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, पानी जिसने पेस्ट बनाया उसी से मिला के हम इसको ऐड कर लेते हैं। लगभग चावल से डबल पानी यूज करा है मैंने, 2 गिलास, आप कोई सा भी चावल यूज करते हैं उसके हिसाब से पानी यूज करें। और यहीं पर इसको अच्छे से नमक मिर्च चेक करके इसका, और इसको हम ढक के कुक करेंगे 5 मिनट तेज आँच पे और 8 मिनट धीमी आँच पे, फिर गैस बंद कर देंगे। ये देखिए 5 मिनट तेज आंच पर और 8 मिनट धीमी आंच पर पकाया है मैंने, और गैस बंद करके 2-3 मिनट बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये ग्रीन बीन्स पुलाव खाने के लिए एकदम तैयार है। बिल्कुल सिंपल रेसिपी है और झटपट बन जाती है, मैंने आज जैसे आपको बताया है। ये देखिए आप, इसको आप बच्चों को स्कूल में या लंच के लिए, ऑफिस के लिए आप फटाफट से बना सकते हैं, कुछ भी अगर आपको जल्दी बनाना है। ये देखिए आप, बहुत ही स्वादिष्ट पुलाव बनता है और बिल्कुल सिंपल तरीका है, बिल्कुल सादे मसालों में बनता है। तो आप एक बार ट्राई जरूर करें इसको। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल भी दबाएं, इससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। आपकी कोई राय हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, कोई भी सवाल है, कुछ पूछना है। और फेसबुक पेज पर अगर वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। मिलते हैं अगली मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।